अस्पतालों में मॉक ड्रिल जारी है, लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। बता दें अस्पतालों में मॉक ड्रिल की शुरुआत की गई है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल पहुंचे हैं। बलरामपुर अस्पताल में मॉक ड्रिल के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। बता दें कोरोना से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां अस्पतालों में मॉक ड्रिल जारी है, अस्पतालों में मॉक ड्रिल की शुरुआत की गई है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल पहुंचे हैं। बलरामपुर अस्पताल में मॉक ड्रिल के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। बता दें अस्पतालों में डिप्टी सीएम ने जायजा लिया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, कोरोना से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है, वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? कोरोना के प्रबंधन को देखने के लिए जितने भी कोविड अस्पताल हैं पूरे देश में, उसमें मॉक ड्रिल की जा रही है और देखा जा रहा है कि जो उपकरण है, जो हथियार है हमारे कोरोना जैसे जंग से लड़ने के लिए, वो कितनी तरीके से तैयार है, किस प्रकार से तैयारी हमारी पूरी है। हालांकि अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में दो ही नए वेरियंट मिले हैं, लेकिन अभी से ही जो है प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है इसको लेकर सख्त हो गया है और तमाम तरह की जो है ये चीजें जो है व्यवस्थाएं जो है अपना रहा है। आज डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जो है बलरामपुर अस्पताल जो है मॉक ड्रिल में पहुंचे थे और कोविड वार्ड का उन्होंने जो है निरीक्षण किया था, बेड का निरीक्षण किया था, ऑक्सीजन का निरीक्षण किया था, वेंटिलेटर का निरीक्षण किया था। उसके बाद जाके उन्होंने जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे है उसकी बातचीत, उसका जो निरीक्षण किया था, देखा था कि इसका संचालन किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से कार्य है। और कोरोना के लिए जो बलरामपुर अस्पताल में अलग से वार्ड आरक्षित किए गए हैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में, तो किस प्रकार से तैयारियां जो है, जो कोविड हॉस्पिटल है, जो कोविड हॉस्पिटल है उनकी तैयारियां कोरोना के नए वेरियंट को लेकर है। मयूरी विवेक, डिप्टी सीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया है, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जिस तरह से कोरोना अभी अपना पांव पसार रहा है, डिप्टी सीएम द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मेरे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो है जो मामले जो नए यहाँ पे आए हुए हैं अगर आपके, उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए चीजें भेज दी गई हैं और अभी दो ही मामले इस नए वेरिएंट के आए हुए हैं, तो हम अपनी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका निरीक्षण कर रहे हैं और अगर कहीं भी कोई ऐसी परेशानी की चीज आती है तो जल्द ही उसको दूर कर लिया जाएगा, ताकि जैसे पुरानी जो है समस्या रही थी जिसके पहले फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में, उस प्रकार की दिक्कतें जो है आम जनता को ना उठानी पड़े, उस प्रकार की जो भगदड़ जो है उस तरीके से ना होना पड़े। और तमाम सारी चीजें बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हालांकि अभी परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम अपनी तैयारी जो है पूरी रखे हुए हैं हर प्रकार से। विवेक, कोविड-19 को देखते हुए तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, तो इस समय अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है और लोग क्या पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आज इस समय हम बलरामपुर के अस्पताल में हैं और कोविड प्रोटोकॉल के लिए सारी एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कई बार इस पर बैठक करके लोगों को अपील की है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने, कि लोग भीड़ भाड़ इलाके में जो है वो मास्क पहने, अस्पताल में जो मरीज और जिम्मेदार वो भी मास्क पहने। तो उस प्रकार से आज यहाँ देख सकते हैं कि लोग मास्क पहने हुए हैं, उसका जो है पालन कर रहे हैं लोग। ये काफी अच्छी खबर आ रही है कि लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज के लिए कि मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, इस प्रकार की चीजें जो है कैसे हो रही है, और ये सारी चीजें जो है लोग पालन कर रहे हैं और सख्ती से अस्पताल प्रशासन भी, बलरामपुर अस्पताल प्रशासन भी पालन करा रहा है, बल्कि बाकायदा लाउड स्पीकर से वो अनाउंस कर रहे हैं, जो जो लोग व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको अनाउंस किया जा रहा है, उनको चेतावनी दी जा रही है कि आप मास्क पहन के अस्पताल परिसर में जो प्रवेश करें। तो ये एक अच्छी पहल और अच्छी चीजें देखी जा सकती है बलरामपुर अस्पताल प्रशासन के द्वारा। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए।
नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही घने कोहरे के साथ शीतलहर ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। सुबह दिल्ली और लखनऊ में शीतलहर जारी रहने के कारण घना कोहरा देखा गया, साथ ही न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार नए साल तक अभी तापमान ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा, 2 दिन अभी शीतलहर और परेशान करती रहेगी। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर कानपुर से है, वहीं दूसरी तस्वीर लखनऊ से है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं घना कोहरा नजर आ रहा है, वहीं लखनऊ की भी तस्वीर में आप देख सकते हैं ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे को देखते हुए गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई है, कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। बता दें कोहरे की चपेट में दिल्ली एनसीआर में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही घने कोहरे के साथ शीतलहर ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। सुबह दिल्ली और लखनऊ में शीतलहर जारी है। बता दें घना कोहरा देखा जा रहा है, साथ ही न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल तक अभी तापमान ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा, 2 दिन अभी शीतलहर और सर्दी परेशान करती रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घना कोहरा नजर आ रहा है, पहली तस्वीर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर लखनऊ की है। कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें दिल्ली और लखनऊ में शीतलहर जारी है, जिसके कारण लगातार कोहरा देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल तक अभी तापमान ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा, 2 दिन अभी शीतलहर और सर्दी परेशान करती रहेगी। शीतलहर की चपेट में कई शहर हैं, कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं घना कोहरा नजर आ रहा है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें ठंड को देखते हुए लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई है, लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर की चपेट में शहर नजर आ रहे हैं, कई जिले के डीएम भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें शहर शहर रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है, कड़ाके की ठंड को देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रयागराज से हमारे साथ आशीष भट्ट जुड़ेंगे, वहीं उपेंद्र अस्थाना कानपुर से जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे उपेंद्र अस्थाना का,
उपेंद्र, आप लखनऊ, आप माफ करिएगा, आप कानपुर में मौजूद हैं, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है ठंड को लेकर? जी मुझे आपको पता चले पूरी तरह से कानपुर जो है पूरा ठंड कहर पूरी तरह से चालू है, पूरा प्रकोप बिल्कुल जारी है। कल रात से जो कल शाम से दिखाया तो पूरी शीतलहर जो है उत्तरी पश्चिमी से जो क्षेत्र से चली आ रही हवा, ठंडी हवा है उसको लेकर गलन टाइप की कानपुर ज्यादा है। पर उसको देखा जाए कहीं कानपुर में कल रात की बात है, जो कानपुर के डीएम है विशाखा जी जो है उन्होंने जो है कई रैन बसेरा और कई ऐसी जगह जो चिन्हित की गई जहाँ पे वो गए मौके पहुंचे और वहाँ की स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं मिली उनको, कुछ गड़बड़ी मिली तो उन जो अपने अधिकारी हैं उन अधिकारियों को जो दिखाया था फटकार लगाई। उसके बाद कहीं ना कहीं दिखाया तो आज सुबह से जो मौसम जो यहाँ पे था वो वीडियो के माध्यम साफ दिख रहा होगा कि जो वाहन की विजिबिलिटी थी वो विजिबिलिटी पूरी तरीके से दिखाई तो पूरी विजिबिलिटी नहीं थी, कोहरे का बिल्कुल प्रकोप पूरी तरीके जारी है और ठंड का जो देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। पर कहीं ना कहीं देखा है तो मौसम विभाग ने जो है कानपुर को जो है 2 से 3 दिन से जो लगभग हाई अलर्ट कर दिया गया ठंड को लेकर के। पर वही कहीं ना कहीं देखा है तो कानपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही ये नजर आ रही है कि कोई भी कानपुर के जो प्रमुख चौराहे हैं उन चौराहों पर अभी भी किसी प्रकार की अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी उपेंद्र, आशीष का रुख करूंगी प्रयागराज से मैं। आशीष, आप प्रयागराज में है, ठंड को लेकर कैसी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बता दूं कि आप जिस तरीके से ठंड का प्रकोप यहाँ पे भी देखने बढ़ गया है और खास तौर पे ये भी बता दें कि आपको पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से बर्फीली हवाएं चल रही है तो उसका कहीं ना कहीं असर अब उत्तर प्रदेश से में भी देखने को मिल रहा है। और प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर भी कोहरे का असर और शीतलहरी काफी मात्रा में बढ़ गई है। देखा जाए कि बहुत तेजी से यहाँ पर शीतलहरी चल रही है जिसको देखते हुए यहाँ पे चाहे छोटे स्कूल के बच्चों की बात करें तो 8 तक की स्कूल के बच्चों की टाइमिंग चेंज कर दी गई, जो सुबह 7:30 बजे की थी अब वो 9 बजे की कर दी गई, 9 से 3 कर दी गई। और ये भी बताया जा रहा है कि इनको जो ये टाइम चेंज कर दी उसमें अगर थोड़ी से भी कमी देखने को मिलती है या लापरवाही मिलती है या 9 बजे से पहले स्कूल कोई बच्चे जाते हैं तो उन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। और बात करें यहाँ पे नगर निगम के द्वारा रैन बसेरे की तो यहाँ पे 34 जगह पे चिन्हित किया गया है, प्रयागराज के मुख्य जगहों को चिन्हित किया गया और 34 रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है जहां पे मूल रूप से सभी तरीके की सुविधाएं भी उसमें मुहैया कराई गई, चाहे वो रजाई हो, गद्दा हो, डस्टबिन हो, लाइट हो या शौचालय, सभी तरीके की व्यवस्था भी कराई गई और इसको आए दिन इसके निरीक्षण भी किया जाता है कि किसी तरीके की इसमें कमी ना हो और जो भी इसमें रैन बसेरे में लोग आए उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी जी आशीष, उपेंद्र कानपुर में कैसी व्यवस्था की गई है? कड़ाके की ठंड अब पड़ने लगी है, फिर चाहे वो रैन बसेरे को लेकर हो, गरीब असहाय लोग हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी अगर देखा है तो पूरी तरीके से जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे उनका साफ आदेश था जिला प्रशासन को कि कहीं ना कहीं देखा है तो रैन बसेरे को पूरी तरीके से सख्ती करी जाए। पर कहीं ना कहीं देखा है तो अभी ऐसे कुछ रैन बसेरे ऐसे पड़े हुए हैं कि जिन पर देखा है तो नगर निगम ने अभी तक दीवार की व्यवस्था नहीं की गई है, कंबल व्यवस्था नहीं की गई है। और अगर देखा जाए जिन रैन बसेरों में व्यवस्था भी है पर वहाँ देखा जाए किसी ना किसी तरीके दिखाए तो अगर जो विजिबिलिटी बढ़ रही है ठंड को लेकर के उसमें जो हार्ट के पेशेंट है, जो अस्थमा के पेशेंट है उनका ख्याल रखने के लिए मेडिसिन की अभी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। और जो ठंड के मारे जो रन मसारे हैं उसका अगर देखा जाए तो नियमानुसार जो है वहाँ पर ठंड की जो मेडिसिन की व्यवस्था होनी चाहिए पर अभी इस तरह की किसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी आशीष, देखा जाए जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अब बीमारियां भी बढ़ेंगी, अस्पतालों में लोग पहुंचेंगे, तो इस समय अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखी जा रही है? एक तरफ कोविड भी पांव पसार रहा है तो कैसी व्यवस्था अस्पतालों में है? बता दें कि आपको जिस तरीके से अब मौसम जब चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं सर्दी जुखाम लोगों को बुखार तो अस्पतालों में भी देखा तो साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि किसी भी तरीके के ऐसे पेशेंट आए तो उनको देखा जाए, कोई तरीके की लापरवाही ना की जाए और अस्पतालों में अभी इनकी संख्या भी बढ़ गई है। जी जी उपेंद्र, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ अभी अलर्ट जारी किया गया है? कब तक ये ठंड रहेगी? कितना और परेशान कर सकती है? जी अगर देखा जाए तो ठंड की बात आई तो मौसम विभाग जो है वो लगातार अलर्ट करते चला जा रहा है और मौसम विभाग ने तो पहले से भी जिला प्रशासन के माध्यम से एक सूची जारी की गई थी कि जो पेशेंट हार्ट के पेशेंट हैं और जो अस्थमा के पेशेंट है वो पूरी तरीके से जो है घर में रहें, ठंड के मारे बाहर ना निकले और जो देखा जाए तो प्राथमिक उपचार के लिए अपने जो डॉक्टर उनसे सलाह लेते रहे समय समय पर, क्योंकि अब देखा जाए कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप जो है अब वो नए साल तक जो है बराबर लगातार बना रहेगा। और आगे देखने वाली बात यह है
कि जो अब देखना है ये है कि जिला प्रशासन जो है वो किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो सम्मान कर पाता है नहीं कर पाता है। पर अगर देखा जाए कानपुर, अगर कानपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है पर अभी कहीं ना कहीं देखा है तो किसी भी चौराहे पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जी धन्यवाद उपेंद्र आपका और आशीष आपका भी धन्यवाद। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर कानपुर से है, वहीं दूसरी तस्वीर लखनऊ से है। आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। जी मैं भी आपको बता दें यूपी बिहार और उत्तर भारत समेत पूरे प्रदेश में अभी बात करें तो ठंड का कहर जारी है। अगर बात करें तो बर्फीली तूफान बर्फीली इलाकों में यानी कि पहाड़ी इलाकों में कहीं ना कहीं बर्फबारी देखने को मिल रही है जिससे जो स्थल है यानी कि जमीन है उसका टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं आम गरीब जो जनमानस है जिन्हें छत नसीब नहीं है उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मयूरी कहीं ना कहीं देखा जाए इससे तमाम ऐसी बीमारियों के मरीज हैं जिन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक जिन्हें भी सांस की संबंधित बीमारियां हैं उन्हें घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। वही भी आपको बता दें कि इसमें मनुष्यों के साथ साथ आम जो अगर देखें तो जीव जंतुओं को भी कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ नगर निगम की तरफ से तमाम जो दावे किए गए हैं अलाव जलाने के वो चौराहों पर नजर नहीं आ रहे हैं। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रमुख चौराहों पे कहीं अलाव की व्यवस्था अभी नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में वैन बसेरे बनाए गए हैं। वैन बसेरे की अगर बात करें तो वैन बसेरे महज एक टेंट से साबित हो रहे हैं। और अभी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के चलते जो आम गरीब जनमानस है खास कर रिक्शे वाले वो कहीं ना कहीं जो वैन बसेरे का लाभ है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो नगर निगम है वो कैसे वैन बसेरे में लोगों को लाता है, क्योंकि अगर जो आम जनमानस है चारबाग की बात की जाए चाहे हनुमान सेतु की बात की जाए चाहे मन कामेश्वर मंदिर की बात की जाए इससे इसके ठीक सामने सोने के लिए लोग कहीं ना कहीं मजबूर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मयूरी तो इस बढ़ती ठंड से कहीं ना कहीं अगर देखें तो जहां देर शाम के बाद शीतलहर और साथ ही साथ हवाएं हो जा रही हैं, हवाओं का रुख जो हो रहा है वो ठंडा हो रहा है जिससे आम जनमानस को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी विवांशु, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अब मौसम बदल रहा है कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ेंगी, और देखा जाए तो एक तरफ से COVID-19 भी धीरे धीरे पांव पसार रहा है, तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ में आपने प्राइम टीवी की एक रिपोर्ट देखी जिसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं जो अस्पतालों के अंदर में मास्क का किया गया है कि आप मास्क जरूरी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सिविल अस्पताल हो या लोक बंधु हो वा KGMU हो या PGI हो इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं लोग मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं मयूरी अगर बात की जाए तो आम सड़कों पे भी या कहीं भी सामाजिक स्थलों पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे भी मास्क से लोग कहीं ना कहीं लगाने से कतरा रहे हैं। मयूरी कहीं ना कहीं देखें तो ठंड के साथ साथ जो COVID-19 का प्रकोप है उससे आम जनमानस को सचेत होना पड़ेगा। और अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे संस्थान हैं तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें अभी ठंड के चलते जो ठंडियों के अवकाश होते हैं वो कर दिए गए हैं। वहीं आप देख रही हैं कि जहां एक तरफ नया साल आने वाला है साथ ही साथ अगर देखें तो अभी क्रिसमस बीता है उसमें लोगों का जो जन सैलाब है वो सड़कें पर उतर रहा है मगर मास्क से कहीं ना कहीं परहेज कर रहा है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि मयूरी की जहाँ एक तरफ कोविड 19 और दूसरी तरफ ठंडी के प्रकोप, ठंड हवाओं के प्रकोप से आम जनमानस कहीं ना कहीं परेशान है और नगर निगम को इस पर पूरी तरह से अपनी आंखें खोलकर और शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं उस पर अलाव की व्यवस्था और रैनबसेरों की जो रैनबसेरे हैं उसमें जो टेंट हाउस के कपड़े लगाए गए हैं उसको बदल कर और कुछ बेहतर व्यवस्था किए जाए। वहीं जो तमाम दावे वादे हो रहे हैं कि डेली सैनिटाइजेशन हो रहा है रैनबसेरों का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो कोविड 19 के प्रकोप को देखते हुए जो यहाँ के लखनऊ के नगर आयुक्त हैं इंद्रजीत सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि सभी रैनबसेरों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अब तक सैनिटाइजेशन महज कागजी पन्नों में दिख रहा है मगर कहीं ना कहीं जमीन पर उतर के नहीं सामने दिख रहा है। अब कब तक ये सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है और जो रैनबसेरे हैं उसकी संख्या कब तक बढ़ाई जाती है? जी भिवानसु, जैसा अभी आपने कहा कि जो रैनबसेरों के दावे हैं वो कागजी नजर आ रहे हैं, तो इस पर एक्शन कब लिया जाएगा क्योंकि अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, गरीब असहाय लोग हैं, कब इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा? जी मयूरी, अगर बात की जाए तो हर साल वैन बसेरे बनाए जाते हैं और जो आम गरीब होते हैं उनके लिए वैन बसेरे बनाए जाते हैं जिनके पास छत नहीं होती है या कोई गरीब आगंतुक, जैसे चारबाग स्टेशन पे ऐसे कई सारे आगंतुक होते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं होटल लेने की सुविधा नहीं होती है। इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पर वैन बसेरे बनाए जा रहे हैं मगर अगर देखें तो आम जनमानस कहीं ना कहीं जागरूकता के चलते वैन बसेरों का प्रयोग नहीं कर रहा है। और बात की जाए तो जिन वैन बसेरों में अगर 20 की सुविधा है, 20 लोगों की सोने की, और साथ ही ऐसे आदेश दिए गए हैं कि सबको ओढ़ने के लिए 2 चद्दर दिए जाएंगे, मगर 20 लोगों की सोने की जगहों पे कहीं कहीं 40 लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैन बसेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और जो खाली वैन बसेरे हैं कुछ क्षेत्रों में और जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं उन्हें जागरूकता अभियान के तहत उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखें तो आए दिन खबरें आती हैं कि सड़कों पर गरीब असहाय जो जनता है वो ठंड के चलते कहीं ना कहीं अपने प्राण भी दे देती है। तो इससे बचने के लिए जो नगर निगम है वो जागरूकता अभियान के तहत रात के समय निकले और जो भी रातों के रात में सड़कों पे सो रहे हैं, जो देखे कि पटरियों पे सो रहे हैं, उनसे आग्रह करें और उन्हें बताएं कि आपके सोने के लिए रैनबसेरे का इंतजाम किया गया तो कहीं ना कहीं बेहतर होता और सभी लोग इस ठंड से बच सकते हैं। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। अस्पतालों में मॉकड्रिल जारी है, अस्पतालों में मॉकड्रिल की शुरुआत की गई है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। बलरामपुर अस्पताल में मॉकड्रिल के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे। बता दें लखनऊ के अस्पतालों में मॉकड्रिल जारी है, अस्पतालों में मॉकड्रिल की शुरुआत की गई है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। बलरामपुर अस्पताल में मॉकड्रिल के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे। अस्पतालों में मॉकड्रिल जारी है, बता दें कोविड 19 के प्रकोप को देखते हुए मॉकड्रिल की शुरुआत की गई है। अस्पतालों में मॉकड्रिल लगातार जारी है। वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल पहुंचे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, कोरोना से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में मॉकड्रिल जारी है, वहीं डिप्टी सीएम जायजा लेने बलरामपुर अस्पताल पहुंचे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, कोरोना का जो प्रबंधन है उसके लिए, उसकी जायजा लेने के लिए पूरे देश में जो है वो मॉकड्रिल की व्यवस्था जो है की गई थी और जितने भी कोविड अस्पताल है देश भर में वहां पे
मॉकड्रिल चला था, तो उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ में जो बलरामपुर अस्पताल है ये कोविड अस्पताल है, और स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है यहाँ पे आके मॉकड्रिल के थ्रू जो है वो जो कोरोना से निपटने के लिए जो हथियार है जिसे कह सकते हैं, जैसे कोविड बेड हो गया, कोविड वार्ड हुआ, वेंटिलेटर हो गया, आईसीयू हो गया, ऑक्सीजन सपोर्ट हो गया, इन सारी चीजों की व्यवस्थाओं का वो निरीक्षण कर चुके हैं और बलरामपुर अस्पताल के व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट भी नजर आए। और जिस प्रकार से कोरोना का नया वेरिएंट जो है उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है, दो मामले जो है आगरा उन्नाव से दर्ज किए जा चुके हैं, तो इस पर भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उसके लिए जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसके सैंपल को भेज दिया गया है, हालांकि घबराने की इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, हम इस पर जल्दी ही काबू पा लेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ाई जारी रखने के लड़ने के लिए कोरोना को मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने प्रयत्न कर रहा है। इस मॉडल के थ्रू जितने भी कोविड अस्पताल है लखनऊ में सारी व्यवस्थाओं का जायजा उसके थ्रू लिया जा रहा है। इसके बाद ऑक्सीजन प्लांट जो है वहां पे भी डिप्टी सीएम गए थे, ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था देखी थी कि सुचारू रूप से इसका संचालन किस प्रकार से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो ऑक्सीजन प्लांट के जो टेक्नीशियन थे उनसे बातचीत भी की कि किस प्रकार से ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो चलता है, क्या इसकी व्यवस्था है, उनसे भी बातचीत की और तमाम व्यवस्थाओं से भी उन्होंने उनका रूबरू होना पड़ा। जो मरीज थे मरीज से भी उनका फीडबैक लिया, हालचाल लिया, हालांकि कोविड का कोई मरीज यहाँ भर्ती नहीं है, लेकिन जो मरीज अन्य बीमारियों की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं उनसे उनका फीडबैक, उनसे मरीजों का फीडबैक लिया, स्वास्थ्य संबंधी हालचाल भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूछा। मयूरी विवेक, जिस तरह से कोविड अपना पांव पसार रहा है, वहीं डिप्टी सीएम बलरामपुर अस्पताल पहुंचे थे, क्या उनके द्वारा कोई निर्देश भी दिया गया है? देखिए मयूरी, निर्देश यही दिया गया है कि किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए और जो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमारे हथियार हैं, आईसीयू वार्ड हुए, बेड हुए, वेंटिलेटर हुआ, ऑक्सीजन सपोर्ट हुआ, और जो प्रशिक्षण है ये मशीनों का जो प्रशिक्षण है वो अस्पताल प्रशासन अपने कर्मचारियों को जो है वो दे, ताकि हर एक कर्मचारियों को इसका भरपूर प्रशिक्षण जो है प्राप्त हो सके। तमाम तरह के जो मशीनी प्रशिक्षण है अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं कि मशीनी प्रशिक्षण जो है उनके स्टाफ को, उनके कर्मचारियों को दिए जाए। इस समय हम बलरामपुर अस्पताल के जो है सुपर स्पेशलिटी वार्ड के सामने खड़े हैं, इसी के अंदर जो है कोरोना वार्ड बना हुआ है। मैं अपने सभी से कहूंगा कि आके जो है अंदर जो है क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और यहीं पे जो है जो सेकंड फ्लोर पे जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, सेकंड फ्लोर है, यहीं पे जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे, यहाँ पे सारी जो है व्यवस्थाएं जो है शुरू की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने सभी से कहूंगा कि दिखाएं किस प्रकार से मास्क और सैनिटाइजर के अलावा जो है ये तापमान ऑक्सीमीटर भी है, तापमान मापने के लिए भी मशीन है, किस प्रकार से चीजें यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ की जा सकती है। अब मैं अपने सभी से कहूंगा कि आगे जो बढ़ के जो है वो जो कोविड वार्ड है वो एलटी वार्ड में हमें ले चले और उसकी जो क्या व्यवस्थाएं कुछ है उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। ये कोविड वार्ड है जो अभी 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 फिलहाल बंद है, क्योंकि डिप्टी सीएम यहाँ पे खुद जो है निरीक्षण करके गए हैं, फिलहाल कोई मरीज जो है अभी यहाँ पे एडमिट नहीं है, जिसकी वजह से इस वार्ड को अभी बंद किया गया है। हमको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बलरामपुर अस्पताल में जो है ये कोरोना वार्ड के लिए आरक्षित की गई थी, अभी फिलहाल कोई मरीज जो है यहाँ पे एडमिट नहीं है, जिस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है, बेड से लेके वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन सपोर्ट सब व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है और फिलहाल कोई मरीज नहीं है, जिसकी वजह से ये कोविड वार्ड को अभी बंद रखा गया है ताकि कोई दिक्कतों का सामना किसी को ना होना पाए। मयूरी विवेक, जिस तरह से कोविड अपना पांव पसार रहा है उसको लेकर कई एडवाइजरी भी जारी की गई थी, तो क्या लोग इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क लगाने की अपील की थी और अस्पताल प्रशासन, बलरामपुर का अस्पताल प्रशासन जो है वो बकायदा स्पीकर से अनाउंस कर रहा है, जितने भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको अनाउंस कर रहा है कि अस्पतालों में मास्क लगा कर प्रवेश करें। हमारे पीछे कुछ तीमारदार जो है यहाँ पर हम दिखा सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने मास्क पहना हुआ है, आप देख सकते हैं सब लोग हैं मास्क पहन के कोरोना की जो गाइडलाइन है वो मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक अच्छे नागरिक का संदेश दे रहे हैं कि सभी ने यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, कोई मरीज या जिम्मेदार नहीं दिखेगा जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। तो अस्पताल प्रशासन जो है काफी सजग रहा है और जितने भी लोग हैं वो इस बात को जान रहे हैं कि कोविड जो है वो कितनी जो है वो खतरनाक बीमारी है और सभी जो है मास्क का पालन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ इलाके में मास्क का पालन कर रहे हैं, अस्पताल प्रशासन पूरा जागरूक
जागरूक कर रहा है लोगों को, बाकायदा स्पीकर से जागरूक कराया जा रहा है कि जितने भी लोग मास्क नहीं पहने हैं उनको ये अनाउंसमेंट के जरिए जागरूक किया जा रहा है कि बिना मास्क के अस्पताल परिसर में एंट्री ना करें। और यहाँ पे मरीज और तीमारदार जितने डॉक्टर है वो भी जो है मास्क जो है पहने हुए हैं, सब लोग इस गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं। मयूरी विवेक, अस्पतालों में वैक्सीन की कमी की बात सामने आई थी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो वैक्सीनेशन की कमियों की बातें हैं, अभी बलरामपुर का जो अस्पताल है ये कोविड अस्पताल है, जिसकी वजह से मॉकड्रिल हुआ है। और ये सिर्फ मॉकड्रिल जो कोविड अस्पतालों में ही हो रहा है, नॉन कोविड अस्पतालों में ये मॉकड्रिल नहीं है। और वैक्सीनेशन की कोई कमी भारत के पास नहीं है, भारत अपनी खुद की वैक्सीन बनाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत या कमी बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। अगर ऐसा कोई दिक्कत या कमी हो रही है तो इस पर निर्देश भी दिया गया कि वैक्सीनेशन को तेज करे सरकार की तरफ से, ये साफ निर्देश है। डिप्टी सीएम की तरफ से भी ये साफ निर्देश है कि जो वैक्सीनेशन में जो तेजी है, जितने भी लोग छूट गए हैं बूस्टर डोज से या सेकेंड डोज से, वो जो है जल्द से जल्द अपना टीकाकरण करवा ले, तो वैक्सीनेशन की कोई दिक्कत, इस प्रकार से डोज की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और सभी लोग जो है जल्द से जल्द जो है बूस्टर डोज की तरफ बढ़ भी रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन जो है पूरी तरीके से एक अच्छा रवैया जो है अपना रहा है लोगों को जागरूक करने का, चाहे वो टीकाकरण को लेकर हो, चाहे वो मास्क लगाने के लेकर हो, चाहे वो मरीजों की ख्याल रखने के लेकर हो, जो कोरोना वार्ड बनाया गया है। हालांकि कोई इसमें मरीज नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रशासन का ही अच्छा कदम बताया गया है। जो निदेशक है अस्पताल प्रशासन के रमेश गोयल, उन्होंने बताया कि हम जो है इस जंग को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है कि इस तरीके की चीजें होती है कि मरीज अगर बढ़ने लगे, तो हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, हमारा स्टाफ पूरी तरीके से तैयार है, हमारी व्यवस्था पहले से सुदृढ़ है, तो एक अच्छे संकेत है। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच आज अपना फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 24 दिसंबर को सुरक्षित रखा था फैसला, निकाय चुनाव में अधिसूचना पर फैसला सुरक्षित। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 27 को फैसला। ओबीसी आरक्षण को लेकर पीआईएल की गई थी दाखिल, आज निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, निकाय चुनाव की तस्वीर आज साफ हो जाएगी, हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिये भाई, आज 11 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई का फैसला आना था, सुनवाई लगातार चल रही थी, जो टलती चली जा रही थी। 24 तारीख कोर्ट ने सुरक्षा फैसला जो है सुरक्षित कर लिया था, जिसके बाद आज 11 बजे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाना था, तो आज चल रहा है कहीं ना कहीं, अभी फैसला कुछ देर में आ जाएगा। मंगलवार आज 27 तारीख को बताया गया था कि आज नगर निकाय ओबीसी जो आरक्षण को लेकर के जो मामला चल रहा था कोर्ट में विचाराधीन था, इसको लेकर के याचिकाकर्ता और सरकार की तरफ से दलीलें पेश की गई थी, उनके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज किस तरीके से फैसला कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और किसके पक्ष में सुनाता है, ये तो फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा। रितेश, ओबीसी आरक्षण का जो पेज फंसा था उस पे आज फैसला आ जाएगा, अगर देखा जाए तो जो संभावित प्रत्याशी हैं और राजनीतिक दल हैं उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं? देखिए मयूरी, उम्मीदें तो वो लगा रखे हैं, क्योंकि जब से चुनाव की शुरुआत हुई थी तब से कहीं ना कहीं प्रत्याशी मैदान में उतर चुके थे और उनके होर्डिंग्स बैनर्स लगने शुरू हो गए थे। लेकिन जहां तक अभी जिस तरीके से फैसला टला है और याचिका पड़ गई थी इसको ओबीसी आरक्षण को लेकर के, सरकार अपनी दलीलें दे रही थी कि 2017 को आधार माना जाए आरक्षण को, तो उसको लेकर के कहीं नाखुश नजर आए थे हाईकोर्ट। उसके बाद
जब मामला विचाराधीन होता रहा और याचिकाकर्ता की तरफ से और सरकार की तरफ से जब दलीलें पेश होती रही तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इस पर अपना सत्रुभ अपनाया, उसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब आज फैसला आने के बाद भी चुनाव से क्या लगाए जा रहे हैं कि अब चुनाव ये चल भी सकता है, अप्रैल तक भी चुनाव जा सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से बीच में अभी बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं, उसका समिट भी होने वाला है, कई ऐसे आयोजन है जिनकी वजह से चुनाव में समस्याएं अड़चने हो सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं अब चुनाव लेट करना भी गलत होगा, अब देखते हैं हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है, जैसा भी होगा जनहित भी जरूरी होगा। तो रितेश क्या अनुमान लगाया जाए आज फैसला आ सकता है? देखिए मंगलवार है, आज सभी लोग इस विशेष पूजा अर्चन में भी लगे हुए हैं, हमारी कुछ दलों से बात हुई, उनका भी कहना है कि मंगलवार हनुमान जी का दिन आज हो सकता है, हाईकोर्ट ऐसा फैसला सुनाए कि चुनाव अगले महीने ही जनवरी में हो जाए। लेकिन जहां तक ये अगर विशेषज्ञों की माने तो अभी चुनाव हो पाना बहुत मुश्किल है, चुनाव ये अप्रैल तक जाने की उम्मीद है। जिस तरीके से अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, G20 आने वाला है और इन्वेस्टर समिट बैठने वाली है, तो इस तरीके से बड़े बड़े आयोजन है जिनमें अधिकारी कहीं ना कहीं व्यस्त नजर आएंगे, कहीं ना कहीं प्रशासन भी व्यस्त नजर आएगा, तो इसको लेकर के चुनाव अभी चल सकता है, चुनाव चलेगा करके वो अप्रैल के माह में जाकर के चुनाव ये होने की संभावना है। फिलहाल अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो मामला चल रहा था विचाराधीन था, उसको लेकर हाईकोर्ट का फैसला 11 बजे आना था, अभी फैसला कुछ देर में आएगा, क्या फैसला होता है ये हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही जाहिर हो पाएगा। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।